عزيزة نجراني، मेरी आवाज तो गालिबन आप तक आ रही होगी। भूल जाइए कि क्या गड़बड़ी हो रही है। आवाज के जरिए मैं आपसे मुखातिब रहना बेहतर समझता हूं अगर कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो। अजीजा निगरामी, अल्लाह ने हमको ये तौफीक दी है इस साल कि अगरचे कि हम दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद हम इस मजलिसे इमाम हुसैन में शिरकत किए हुए हैं और अपनी आवाज को, अपनी अजा को, अपनी मातम को, अपने आंसुओं को एक दूसरे से शेयर करने के मौकफ में हैं। कई दफा ऐसे होता है कि जो चीज हमको आसानी से मिल जाती है, हमको उस चीज की कीमत का अंदाजा नहीं होता। मसलन मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे दो आंखें दी हैं तो मैं इन दो आंखों की वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, मैं इसका अंदाजा नहीं कर सकता। इसलिए कि जब से मैंने होश संभाला है उस वक्त से लेकर अभी तक मुझे कभी तजुर्बा ही नहीं हुआ कि आंख अगर न होती तो क्या होता। अगर आंख की कीमत समझनी है तो आप किसी उस इंसान से पूछिए जिसके पास पहले आंख थी और खुदा ना खास्ता अब वो आंख जाय हो गई और अपनी वो नजर को खो बैठा है। अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें कि उसने हमको एक मुकम्मल वजूद दिया है। आप अंदाजा करिए कि कितनी चीजें हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं। इसमें से अगर एक भी चीज काम ना करे, खराब हो जाए, तो हमको नहीं मालूम कि उसकी कीमत क्या है। मैं थोड़ी सी बात को फैलाकर मिसाल दूं कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अभी आपको अंदाजा हो रहा है कि जो इंसान अगर थोड़ी देर के लिए सांस न ले सके तो अपनी नजरों के सामने वो मौत देख रहा है। पैसे देने के बावजूद ऑक्सीजन का सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बगैर पैसे खर्च किए हुए लंग्स खुद ब खुद पंप करते हैं, इंसान सांस ले रहा है। आप अंदाजा करिए कि अगर एक हमारे जिस्म के अंदर हमको निवाला निगलने की सलाहियत ना हो तो हम कैसे खाना खाते। इसी तरीके से पता नहीं कितने सिस्टम से जो ऐसे इंसान जिस्म में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम गौर नहीं कर पाते कि एक एक सिस्टम की कीमत क्या है, क्योंकि हमको मुफ्त में मिला है। जब से हमने आंख खोली है, शऊर को संभाला है, उस वक्त से हमको ये मिल गया है, लिहाजा हमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि हमने इसकी कीमत क्या दी है। सिस्टम भी शायद मैंने बहुत बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। मसलन एक रग की तकलीफ, एक नस जिसे हम कहते हैं, उसकी कीमत क्या होती है हमको नहीं मालूम। आपने सुना होगा अक्सर शियाटिक पेन नाम की कोई तकलीफ होती है, जिसको होती है उससे पूछिए कि दर्द क्या होता है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से
हमको चूंकि विरासत में आजादारी इमाम हुसैन मिल गई है, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, इसके लिए आज हमको अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी अजमत वाली चीज हमारे हिस्से में आई हुई है। उससे पूछिए जिसने एक एक अलम उठाने के लिए दस दस जानों की कुर्बानी दी है। अगर आपका कोई जान पहचान वाला पारा चिनार में होता है, सीरिया में है, बहरीन में है, खतीफ के इलाके सऊदी अरब में रहता है, उस शख्स से पूछिए कि उसने एक मजलिस हुसैन करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज इस वक्त 111 लोग इस मजलिस इमाम हुसैन में मौजूद है। मैं सवाल कर रहा हूं, थोड़ा सा ब्लंट सवाल है आपसे, मैं सवाल कर रहा हूं कि इस मजलिस इमाम हुसैन में शिरकत के लिए आपने कौन सी कुर्बानी दी है? सहूलत के साथ, आसानियों के साथ, सुकून इत्मीनान से। आज हमको कितनी खुशी होती है जब हम ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए करबला मोहल्ला पहुंच जाते हैं। खुसूसियत के साथ उस शख्स से पूछिए जिसने पहली मर्तबा इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए करबला पहुंचा है, उसकी मसर्रत की कोई इंतहा नहीं। हालांकि मौजूदा जमाने में करबला मोहल्ला तक पहुंचना कोई कमाल नहीं रहा। ऑपरेटर्स मौजूद हैं, हद यहां तक हो गई कि आप बेहतरीन से बेहतरीन होटल चूज कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी देखी जाती है कि जहां मेरा कयाम होगा वहां से रोजा नजदीक से नजदीक तर हो। सफर की दिक्कतें सारी खत्म हो गई, बल्कि जो अच्छे काफिले होते हैं वो तो अपने साथ बाज़ाब्ता तौर पर एक डॉक्टर को ले जाते हैं ताकि अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको कोई तकलीफ लाहक ना हो। अपने साथ लोग कुक को ले जाते हैं ताकि आपको वही जायकेदार खाना मिले जो आप खाने के आदी हैं। हर एक किस्म की सहूलत आपको मुहैया होती है। वो क्या जाने ज़ियारत इमाम हुसैन का लुत्फ, उससे पूछिए जिसने ज़ियारत करने के लिए अपने एक हाथ की कुर्बानी दी है, अपने पैरों की कुर्बानी दी है। मुसलसिल वाकयात हैं कि जहां पर ज़ियारत पर जाने वालों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हाथ कटाना पड़ता था तो वो ज़ियारत इमाम हुसैन। ज़ियारत का लुत्फ वो बताएगा, ज़ियारत का जायका तो वो बताएगा कि कितनी कुर्बानियों के बाद हम मौला हुसैन के रोजे तक पहुंचे थे। अज़ीज़ा निगरानी, बाज दफा ऐसे भी होता है कि हम किसी बड़े वाकये में शरीक हैं मगर हमको नहीं मालूम कि उस अजीम वाकये की अजमत किस हद तक है। आज हम इतनी अजीम आजादारी का हिस्सा बने हुए हैं, लोगों की शिकायतें फिर भी जारी हैं। अंदाजा नहीं हमको, अंदाजा उस वक्त होगा जब रोजे महशर आपको एक जजाए कसीर मिलेगी, तब समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी अजमत से अपने आप को जुड़े हुए थे। इसी तरीके से जब कोई वाकया होता है तो लोगों को अंदाजा नहीं होता कि ये वाकये की नौइयत क्या है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़े वाकये का नाम है वाकये करबला। आपको ताज्जुब होगा, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और 9 मुहर्रम की रात में जनाब हुर उमर सात से एक सवाल करते हैं, पूछते हैं कि उमर सात से कल क्या वाकई जंग होगी। उमर सात जवाब देता है कि हां जंग होगी। दूसरा सवाल, तो क्या तुम फरजंदे रसूल अली और फातिमा के बेटे को कत्ल कर दोगे? उसने जवाब दिया कि हां कत्ल कर देंगे। यहां रुक जाइए, ये तो तारीखी जुमलात हैं जिसे आप पता नहीं कितनी दफा सुन चुके होंगे। यहां से एक नतीजा निकाल रहा हूं, पूछने वाला कौन इंसान है? हुर लश्कर यजीद के किसी मामूली सिपाही का नाम नहीं था, 1000 सिपाहियों का कमांडर का नाम था हुर।
एक ऐसा कमांडर जिस पर हुकूमत की तरफ से रोज अव्वल से इमाम हुसैन के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ताकीद की गई थी, मामूर किया गया था। इन्हें मौजूदा जबान की टेक्नोलॉजी में मैं कहूंगा कि वो एक डिफेंस एनालिस्ट था। ऐसा शख्स जंग होने के 12 घंटे पहले तक भी नहीं समझ रहा था कि आने वाली सुबह को जंग होने वाली है। ऐसे शख्स ये गुमान कर रहा था कि शायद कोई इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज हो जाने वाला है जहां पर फरजंद रसूल की शहादत नहीं होने वाली है। यही सब कुछ हमारे साथ जब वाकया होता है तो आपको और हमको अंदाजा नहीं होता। हुआ है तारीख में इसी वाकये कर्बला की मिसाल देकर आपको मैं सवाल करना चाहता हूं। अगर हम बिलफर्ज महाल कर्बला के मैदान में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मौजूद होते, कहीं दूर खड़े हुए, और अगर हमें कहते कि कामयाब तर इंसान वो शख्स है जो अब कत्ल किया जा रहा है, कौन कबूल करता इस बात को? अगर हम कूफे के रास्ते में खड़े हुए होते जिस वक्त काफिले अहले हरम को ले जाया जा रहा था, और अगर हम खड़े होकर ये कहते कि ये हैं वो लोग जिसको अल्लाह ने चुना है, मासूम है, पूरी कायनात पर इनकी हुकूमत है, कोई कबूल करता? कितनों ने उस वक्त कबूल किया था? हमको लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही मामला हमारे साथ चल रहा है कि हम मौजूदा वक्त की छोटी छोटी मुश्किलों को मुसीबतें उजमा समझ रहे हैं। हमको अंदाजा नहीं है कि हम अपनी वाबस्तगी किसके साथ रखे हुए हैं और मुस्तकबिल में हमको इसकी क्या जजा मिलने वाली है। अज़ीज़ा निगरानी, बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र कि हम अज़ाए हुसैन का हिस्सा बने हुए हैं। आज शब जुम्मा भी है, यकीनन आपने जियारत पढ़ी होगी, यह हो सकता है कि मजलिस इमाम जिस मजलिस के फौरी बाद आप शायद पढ़ेंगे। जियारत इमाम हुसैन हो, जियारत वारिसा हो, या जियारत आशूरा हो, उसमें एक जुमला आता है जिसमें हम अपने इश्क को इमाम हुसैन से बार बार एम्फसाइज करके उसको दोहराते हैं और इसरार करते हैं, और एक जुमला है, फया लई तनी कुंतु माकुम फाफूजा माकुम। ये इश्क है इमाम हुसैन का नाम लेने वाले का कि अपना रिश्ता अपना रत वो इमाम हुसैन से दिखाता है। क्या मतलब हुआ? यही मैं गुजारिश करता हूं अक्सर नौजवानों से, जब कभी मौका मिले, चाहे कुरान मजीद हो, चाहे हमारी दुआएं हो, चाहे जियारत हो, कभी कभी उसे अपनी जबान में पढ़ी ताकि अंदाजा हो कि जो अल्फाज हम अदा कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। बंदा कहता है फयालैतनी कुंतु माकुम, काश मैं कर्बला में होता। हो सकती आप कर्बला में, कर्बला तो हो गई, कर्बला 10 मुहर्रम 61 हिजरी, आज 1337 1338 साल गुजर चुके, फिर एक दफा नहीं, हम पता नहीं होश संभालने के बाद से लेकर मरने तक कितनी मरतबा ज़ियारत पढ़ते हैं, कितनी मरतबा जुमले का रिपीटेशन हो रहा है, काश मैं कर्बला में होता, काश मैं कर्बला में होता। और एक महसूस है इसके अंदर मानी कि ये नहीं कहा कि काश हम कर्बला में होते, हम का लफ्ज अगर आ जाता तो फिर भी बचत थी, शायद मैं नहीं आप होते, आप नहीं मैं होता, कोई और होता, लेकिन यहां सिंगुलर टेंस है, काश मैं कर्बला, फया लई तनी, काश मैं कर्बला में होता। कर्बला तो हो गई, आप कुछ कर लीजिए, आप 60 हिजरी में वापस नहीं जा सकते। जब नहीं जा सकते तो फिर जुमला क्यों कहा जा रहा है काश मैं कर्बला में होता? मुझे मालूम है मैं इस वक्त जूम की मजलिस को मुखातिब करूं जो आपके लिए भी मेरे लिए भी नया तजुर्बा है, लेकिन आपकी तवज्जो उस जानिब ले जाना चाहता हूं कि ये जो अजाए इमाम हुसैन हम लोग मुनक्किद कर रहे हैं और फख्र साथ कह रहे हैं कि इस वक्त मसलन 124 घरों में ये मजलिस सुनी जा रही है, इसका मकसद क्या है? ये जुमला जाहिर कर रहा है काश मैं कर्बला में होता, आप हो ही नहीं सकते। आज
कि तारीख लौटकर वापस 10 मुहर्रम 61 हिजरी को नहीं जा सकती। जब नहीं जा सकती तो फिर कहता क्यों हूं? ठीक, एक टैंजेंट दे रहा हूं यहां पर, अगर होता तो क्या करता, यही ख्वाहिश है ना, काश मैं करबला में होता, अगर होता तो क्या करता, क्या इमाम हुसैन को शहीद होने से बचा लेता, क्या अतफाल हुसैन के लिए जाकर पानी लेकर आता। वाकई करबला जो 10 मुहर्रम को हुआ, मेरी कोशिशों से कुछ ना कुछ और डिले हो जाता, पोस्टपोन हो जाता, नहीं। फिर क्यों कह रहा हूं मैं? अच्छा, काश करबला में होता, कौन मैं? मुझे मालूम है मेरी हैसियत क्या है, मुझे मालूम है वाकई करबला क्या है। वाकई करबला दुनिया का सबसे अजीम तरीन वाकया, मैं अपनी जात में सबसे पस्तरीन इंसान, इतना छोटा इंसान इतने बड़े वाकये का हिस्सा बनने का इरादा करता है बगैर किसी सलाहियतों के, बगैर किसी ट्रेनिंग के। भाई दुनिया की छोटी छोटी मुल्कों में भी अगर फौज में भर्ती होती है तो मुख्तलिफ अकसाम के इम्तिहान लिए जाते हैं, तालीम देखी जाती है पहले स्टेप पर। सवाल होगा शौकत मिर्जा, क्या तुमने कुछ तालीम हासिल की? मकसद से वफादारी देखी जाती है। शौकत मिर्जा तुम्हारी वफादारी साबित करनी पड़ेगी इस्लाम से, अगर तुम लश्कर इस्लाम के फौज के सिपाही बनने का इरादा रखते हो। कमांडर की बात को कबूल करना पड़ता है चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए। मुझे याद है मेरे तालिबे इल्म के जमाने में हमारा एक टीचर था जो हिस्ट्री पढ़ाया करता था और वो फौज एक्स आर्मी में था। वो कह रहा था कि एक दिन उसने सिपाहियों को सबक पढ़ाया कि दुनिया गोल है और वो घूमती जा रही है। तो एक सिपाही ने सवाल किया कि अगर गोल है और घूम भी रही तो हमको गिर जाना चाहिए था, जब कोई गोल चीज घूमती रहती है तो एक न एक वक्त किसी न किसी लम्हे उसको गिरना चाहिए, हम गिरते तो नहीं है। उसने कहा कि मैंने उसको एक मिसाल देकर समझाया, उसको समझ में नहीं आई। उसने फिर सवाल किया कि नहीं, मैं कबूल नहीं करता कि दुनिया गोल है और अगर गोल भी है तो घूम रही है। उसने फिर दूसरी मिसाल दी, उसने फिर तीसरी मिसाल दी, फौजी समझने को तैयार नहीं था। तो कमांडर ने कहा कि कमांडर का हुक्म है कि दुनिया गोल है। फौजी से उसने सवाल किया, अब बताओ दुनिया कैसी है? उसने कहा दुनिया गोल है, दुनिया घूम रही है। ये नौयत होती है एक फौजी की। अब लफ्ज बदल रहा हूं, कमांडर के बदल में अगर मैं रहबर कह दूं, इमाम कह दूं, मतलब ये नौयत होती है कि तुम अपने आप को अपने इमाम से इस तरीके से वाबस्ता करो कि अगर वो कोई हुक्म दे तो फिर उसका हुक्म तुम्हारी समझ में आए या ना आए तुम उसका इनकार नहीं कर सकते। ये है लीडरी, ये है लीडरशिप। हूं मैं, आई एम इस मौके पे हूं कि आज की इस जिंदगी में मैं रोजाना इमाम हुसैन के बताए हुए उसूल और जवाबित पर अपनी जिंदगी गुजारता हूं। क्या मेरा ईमान इमाम हुसैन पर, क्या मेरी मोहब्बत इमाम हुसैन से उतनी है जितनी काजी शुरह की थी? काजी शुरह कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ द रॉयल कोर्ट। यजीद ने जब फैसला किया कि मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करना है, आसान काम नहीं था। वो चाहता था कि इसको मजहब की आड़ में फतवे की शक्ल में तहरीर मिलाकर खत्म किया जाए तो मसला आसान हो जाए। तो यजीद के कुछ लोग खाजी शुरे के पास पहुंचे थे कि खाजी लिखकर दे दे कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है। गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ी। खाजी ने इधर देखा इधर देखा, एक पत्थर उठाया और इतनी जोर से अपनी पेशानी पर मारा कि खून बहने लगा। तुम्हें ख्याल है मैं लिख कर दे दूं कि फर्जंद रसूल काबिल कत्ल है, अली और फातिमा का बेटा काबिल कत्ल है? ये मोहब्बत थी काजी शुरह के दिल में इमाम हुसैन से।
यजीद के लोगों ने कहा कि काजी जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर एक थैली रखकर जा रहे हैं, कल आएंगे, अगर तूने दस्तखत कर दी तो वो थैली तेरी, अगर तूने दस्तखत नहीं की तो हम थैली वापस लेकर जाएंगे। लेकिन याद रख, यजीद को तो कत्ल करना है, तू अगर दस्तखत नहीं भी करेगा तो कोई और दस्तखत करेगा। लोग चले गए, रात गुजरी, सुबह को काजी शुरह ने दस्तखत कर दी कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है। मेरा सवाल फिर बाकी है, क्या काजी शुरह के दिल में इमाम हुसैन से मोहब्बत थी या नहीं थी? बेशक थी, इतनी मोहब्बत थी कि लफ्ज को सुनकर उसने अपने आप को जख्मी करके खून को बहा दिया। लेकिन लेकिन पैसे से मोहब्बत इमाम हुसैन की मोहब्बत से ज्यादा थी। उसने इस मोहब्बत को दौलत पर कुर्बान किया। यकीनन हमारे दिलों में इमाम हुसैन से मोहब्बत है, हमारे दिलों में औलाद से भी मोहब्बत है, हमारे दिल में अपने से मोहब्बत है, हमारे दिल में पावर से मोहब्बत है, हमारे दिल में अथॉरिटी से मोहब्बत है, हमारे दिल में दौलत से मोहब्बत है, हमारे दिल में हुकूमत से मोहब्बत है। वक्त आने पर पता चलेगा कि हम कौन सी मोहब्बत को किस पर कुर्बान करते हैं। क्या उमर साहब के दिल में इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं थी? जब उसने अपनी औलाद से मशवरा लिया तो बच्चों ने उसको समझाया कि तेरा बाप पैगंबर इस्लाम पर ईमान लाने में सातवें नंबर पर था, क्या तू इमाम हुसैन के कत्ल से अपने हाथ रंगीन करेगा? उमर साद ने एक जवाब दिया, हुसैन का वादा उधार है, यजीद का वादा नकद है। यजीद ने वादा किया है कि अगर मैं हुसैन का कत्ल कर दूं तो मुझे हुकूमत राय मिल जाएगी। उमर साहब का घर में पहुंचकर सवाल करना खुद इस बात की दलील बन रहा है कि मोहब्बत नहीं होती तो यक लख्त वो रिजेक्ट कर देता था। उसी वक्त थी मोहब्बत, तभी तो उसने आकर अपने हेजिटेशन को बयान किया। उसका हेजिटेशन खुद बता रहा है कि वो तजब्जुब का शिकार था, चाहता था कि कत्ल करे या ना करे, लेकिन चूंकि जहन में हुकूमत रे की मोहब्बत और ज्यादा उभर कर आई, उसने हुसैन की मोहब्बत को हुकूमत रे की मोहब्बत पर कुर्बान किया। सोच कर बताइए, आज हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत कितनी है और दीगर चीजों की मोहब्बत कितनी है, ताकि हमें अंदाजा हो कि वक्त पड़ने पर कौन सी मोहब्बत किस पर कुर्बान की जाए। अजीज़ निगरामी, आजादारी किसी ट्रेडिशन का नाम नहीं है कि मेरे बाप करते थे लिहाजा मैं कर रहा हूं और इसके बाद मेरे बेटे को करना है, नहीं, आजादारी ट्रेडिशन नहीं है, आजादारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, आजादारी जिम्मेदारी का नाम है। ये जिम्मेदारी को ही निभाने के लिए जब ये सवाल हुआ, फयलैतनी कुंतु माअकुम फाफूज़ माअकुम, काश मैं करबला में होता, जब बंदे खुदा को मालूम है कि तेरे दिल में वो उतनी मोहब्बत नहीं है तो पलट कर साथ हिजर में नहीं जा सकता, तो सवाल ही है ना कि फिर मैं जुमला क्यों कह रहा हूं? मैं जुमला इसलिए कह रहा हूं, मैं दुआ करता हूं इस मजलिस हुसैन में आकर कि परवरदिगार काश मैं करबला का हिस्सा बनता। 60 हिजरी की करबला तो गुजर चुकी, 61 हिजरी की करबला तो गुजर चुकी, मगर मुझे तो जिक्र हुसैन के जरिए साहेब करबला बना दे, ताकि मैं करबला वालों के बराबर बन जाऊं, ताकि मुस्तकबिल में जब फरजंद फातिमा का जहूर होगा, इंतकाम खून हुसैन के लिए हुसैन का बेटा नमूदार होगा, तो मैं उसके लश्कर का सिपाही बन सकूं। करबला फकत माजी को याद नहीं दिला रही है,
माजी को याद करके मुस्तकबिल के लिए तुम्हारे प्लानिंग के वास्ते तुम्हें ये जुमला दिया गया कि फया लैतनी कुंतु माकुम फाफूज माकुम, माजी की करबला को देख जाओ और सोच जाओ कि काश मैं अली अकबर जैसा बन जाऊं, मैं कासिम जैसा बन जाऊं, मैं जुहैर जैसा बन जाऊं, मैं अब्बास की वफा जैसा बन जाऊं, हमारे बच्चे सकीना जैसे बन जाए, रुकैया जैसे बन जाए, और मोहम्मद जैसे बन जाए, हमारी घर की औरतें फिजा जैसी कमीज बन जाए, बीबियों की सीरत, माओं की सीरत हमारी माओं के अंदर आ जाए, करबला की बहनों की सीरत हमारी बहनों के अंदर आ जाए। यही वजह है कि हम हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में मजालिस इमाम हुसैन मुनक़िद करके लोगों को मुतवज्जे करते हैं, ये है करबला, इसको मॉडल बनाकर हम दुआ करते हैं कि हम इस करबला का हिस्सा बन जाए, ताकि जब मुस्तकबिल में फरजंदे फातिमा का जहूर होगा हम दुआ करते हैं कि हम इस काबिल हो जाए, हमारा ईमान इस काबिल हो जाए, हमारी जिस्मानी कुव्वत इस काबिल हो जाए कि हम उस लश्कर के सिपाही बन सके। कहां होगी तरबियत, कहां होगी तरबियत, कहां होगी हमारी ट्रेनिंग, कैसे तैयार कर रहे अपने आप को? इसी के लिए मजलिस हुसैन का इनेकाद किया गया। सच बताऊं खुदा की कसम, पूरी दुनिया में किसी के घर इतने नहीं हैं, या तो खुदा के हैं या हुसैन के हैं। गुस्ताखी माफ हो, खुदा के घर बहुत हैं, फिर भी वहां कंडीशन लगी है, ये आ सकता है वो नहीं आ सकता, इस वक्त आ सकता है उस वक्त नहीं आ सकता। मजलिस हुसैन एक अजीब घर है, यहां मजहब की फिरके की कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी तरबियत गाह है कि दुनिया में तरबियत देने के लिए बच्चों को बुलाया जाता है जहां स्कूल कहते हैं, उम्र बढ़ गई तो जवान हुए तो कॉलेज जाने लगे, उससे ज्यादा उम्र हो गई तो यूनिवर्सिटी जाने लगे, मुख्तलिफ ममालिक में औरतों के लिए अलग मदरसे हैं, मर्दों के लिए अलग मदरसे हैं। मजलिस हुसैन की एक अजीब इनफिरादियत है, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, एक अजीब फर्श अजा है जहां पर जब कोई आ जाता है खाली हाथ लौट कर वापस नहीं जाता। दुनिया की महफिलों में बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाया जाता है ताकि उस शख्सियत के नाम के बहाने और ज्यादा लोग आते हैं, उनको इज्जत मिलती है। यहां लोग खुद चलकर आते हैं और आने के लिए भी इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। दुनिया की तमाम महाफिल में आपको इनविटेशन चाहिए। मेरे सगे भाई बहन के बच्चों की शादी हो, करीब तरीन दोस्त के औलाद की शादी हो, जब तक इनविटेशन नहीं आएगा नहीं जाऊंगा। अगरचे के दावत का ताल्लुक मजहब से नहीं है, मगर जब तक इनविटेशन नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मेरी गली के कोने पर रहने वाला क्रिश्चियन मर जाए, मेरे मोहल्ले में किसी हिंदू भाई का इंतकाल हो जाए, मेरे इलाके में कोई सुन्नी इंसान गुजर जाए, हम नहीं कहते कि हमको इन्विटेशन नहीं आया इसलिए हम मैयत में शरीक नहीं होंगे। जैसे ही खबर मिलती है हम चले जाते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक, ताज़ियत का ताल्लुक मजहब से नहीं होता, ताज़ियत का ताल्लुक इंसानियत से है। मुहर्रम का चांद आसमान पर तुलू होकर यह खबर दे गया कि जिस जिस का ताल्लुक इंसानियत से है वो आए मजलिस हुसैन में। इसके लिए मजलिस हुसैन में दरवाजे बंद नहीं होते। अब अगर किसी का ताल्लुक इंसानियत से ना हो, जिसका ताल्लुक इंसानियत से ना हो, उसका ताल्लुक ना मोहम्मद से हो सकता है ना उसका ताल्लुक हुसैन से हो सकता है। अज़ीज़ा निगरामी, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम और ज्यादा से ज्यादा न सिर्फ इन मजालिस में शिरकत करें, बल्कि हमारी फिक्र को, हमारे जिस्म को, हमारे ख्यालात को, हमारे जमीर को
करबला की मिट्टी में इस तरीके से गूंद दे कि इस जहन से निकलने वाला हर ख्याल करबला की फिक्र लेकर निकले, इस जिस्म से होने वाला हर अमल सीरत हुसैन पर हो। अजीजा निगरामी, आज उसी करबला की याद को आगे बढ़ाने के लिए कल हमने आपसे जिक्र किया था कि बेटी ने बाबा को खुदा हाफिज कह दिया, भाई ने बहन से वादा किया था कि अगर मंजिले मकसूद पर पहुंच जाएं और मशीयत इजाजत दे दे हम आपको लेने के लिए खुद आएंगे। भाई का एक वादा था बहन से हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे। लेकिन यही खबर जब इमाम ने अपनी नानी जनाब उम्मे सलमा को सुनाई तो जनाब उम्मे सलमा ने सवाल किया, बेटा सफर पर जा रहे हो, इरादा कहाँ का है? कहा नानी माँ, इराक जाने का इरादा है। लफ्ज इराक सुनते ही जनाब उम्मे सलमा चौंकी, कहा मेरे लाल, इराक वालों ने तुम्हारे बाबा के साथ जफा नहीं की, इराक वालों ने तुम्हारे भाई के साथ जफा नहीं की। कनानी अम्मा, मशीयत इलाही यही है कि मैं इराक जाऊं। जनाब उम्मे सलमा खामोश हो गई। कहा कि बेटा इतना बता दे कि तुम्हारी खबर मुझ तक कैसे आएगी? कहते हैं कि उस वक्त इमाम हुसैन ने थोड़ी सी खाक जनाब उम्मे सलमा के हवाले की, शीशे में डाला और कहा कि इसको अपने पास रखिए, जब तक ये खाक खाक है समझिए कि हुसैन जिंदा है, और अगर कभी ये खाक खून में तब्दील हो जाए तो समझिए कि हुसैन अब दुनिया में बाकी नहीं रहा। 28वीं रजब सन 60 हिजरी, काफिला नजरों से ओझल हो गया। अल्लाह आपको मदीने की जियारतों से मुशर्रफ फरमाए। जो लोग जाकर आए हैं वो बताते हैं कि हुदूद मदीना के करीब में एक छोटा सा मैदान है जिसका नाम है इंतजार गाह फातिमा सुगरा। बीबी हर रोज वहां बैठती इंतजार करती कि शायद बाबा आ जाए, शायद भाई आ जाए, शायद चचा आ जाए। दिन महीनों में बदलते गए मगर कोई लेने के लिए नहीं आया। हर वो शख्स जो मदीने से बाहर निकलता है बीबी सवाल करती है, क्या शख्स क्या तू इराक की तरफ जा रहा है? एक अरसे के बाद किसी ने कहा कि हाँ बीबी मैं इराक जा रहा हूं। कहा अगर तू इराक जा रहा है तो एक छोटा सा खत मेरे बाबा तक पहुंचा दे। कासिद ने पूछा कि तुम्हारे बाबा को मैं कैसे पहचानूंगा? कहा इतना याद रख के उसका एक जवान बेटा है जो हमेशा उसके बाजू में रहता है, उसका एक भाई है उसका नाम अब्बास है। फातिमा सुगरा ने अपने बाबा के नाम खत लिखा कि बाबा आपके जाने के बाद शबे बरात गुजरी, आपके जाने के बाद मेरी सालगिरह गुजरी, न मेरी माँ थी न भाई न बहन, न आपने कोई तोहफा भेजा। आपके जाने के बाद रमजान की ईदाई मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ घरों से निकले, मगर मैं एक अकेली बेटी ऐसी थी कि अपने घर में अपने वतन में ना उसका कोई बाप था न कोई माँ न कोई भाई न कोई बहन। शिकायत थी कि बहुत अरसा गुजर गया मगर आपने मुझे बुलाया नहीं। खत को खत्म करना था तो फातिमा सुगरा ने लिखा, मेरी जानिब से चचा अब्बास को सलाम कहना, मेरे भाई अली अकबर को सलाम कहना और मेरा छोटा भैया अली असगर, मुझे उम्मीद है कि इस वक्त वो कोनियों के बल चलता होगा, मेरी जानिब से उसके लबों को बोसा देना। नहीं मालूम ये खत फातिमा सुगरा का हुसैन को किस वक्त किस माहौल में वसूल हुआ होगा। दिन गुजरे
मुहर्रम का चांद आसमान पर नजर आया, फातिमा सुग्रा ने चांद को देखा। दस्तूर यही है कि लोग नए चांद को देखकर दुआएं करते हैं। फातिमा सुग्रा ने दुआ की, पालने वाले दिल बेचैन है, जल्द से जल्द मुझको मेरे बाबा से मिला दे। अगर मेरा बाप किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो उसकी मुसीबत को आसान कर दे। तारीखें गुजरी, सातवीं मुहर्रम आई, फातिमा सुग्रा ने पानी पीना छोड़ दिया। शब आशूर आई, फातिमा सुग्रा ने शब्बेदारी में गुजारा। आशूर का दिन आया, उम्मे सलमा ने कहा, फातिमा सुग्रा चलो बाबा के लिए, नमाज जोहर का वक्त हुआ है, नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। बीबी ने दुआ की, अल्लाह मुझे मेरे बाप से जल्द मिला दे। नमाज को तमाम किया, फिर इंतजार गाह पर चली गई, शायद कोई बुलाने के लिए आ जाए। कुछ लम्हात और गुजरे, एक मरतबा उम्मे सलमा जो सो रही थी, सोते सोते ख्वाब देखा। ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, सर पर अमामा नहीं था, खाके करबला थी, आंखों से आंसू जारी थे, फरियाद कर रहे थे कि उम्मे सलमा तुम आराम कर रही हो, मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया। उम्मे सलमा ख्वाब से बेदार हुई, शीशों पर नजर की, खाक खून में बदल चुकी थी। मदीने की औरतें जमा हो गईं, दरमियान में खून हुसैन की शक्ल में शीशे रखे गए। बीबियां जमा होकर मातम करने लगी, वाह हुसैना की सदाएं बुलंद हुई। उम्मे सलमा ने देखा कि दरवाजा खुला, फातिमा सुग्रा घर में दाखिल हुई। जुर्रत नहीं हुई कि बेटी के सामने उसके बाप का मातम किया जाए। उम्मे सलमा ने कहा, खबरदार बीबी, आप जरा खामोश हो जाओ, बेटी घर के अंदर आ चुकी है। फातिमा सुग्रा की नजर शीशों पर पड़ी, बयान करने लगी, कहा नानी अम्मा, ये खाक तो खून में बदल गई, मालूम हुआ कि मेरा बाबा मारा गया। हाथों को जोड़कर कहूंगा, फातिमा जुहरा, यतीमी के लिए ताजियत देने के वास्ते गुलाम हाजिर है, लेकिन फिर भी अर्ज करूंगा, ये एक बेटी बाप के खून से लिपट कर मदीने में गिरिया कर रही है। अहले मदीना हाजिर है मातम करने के लिए, पुरसा देने के लिए, मगर हाँ, एक बेटी करबला में अपने बाप के खून से लिपट कर रो रही थी, पुरसा ऐसे मिला, तमाचे लगाए गए, गोशवारे छीने गए, दामन में आग लगी, घरों को चलाया गया। हाय हुसैन, वाह मुसीबत। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ پروردگار ہمارے ذکر قلیل کو قبول فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دفع کر، اس وقت